हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। जो कल का हमारा वीडियो था उसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी J2 और रेडमी गो के ऊपर ही वीडियो बनाया था, पर कई भाई लोग थे जो कि बोल रहे थे कि आप ये मोबाइल के ऊपर ही बनाइए। तो अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी कई लोग ने मेरे को बोला था। वो कई लोग बोलते हैं क्या ये सिर्फ रेडमी और सैमसंग गैलेक्सी J2 पे ही वर्क करेगा। तो मैंने उस पर आपको बोला भी था कि जिनके पास जो मतलब मोबाइल है 1GB 2GB उसमें यह ऑल मोबाइल के लिए सपोर्टेड है, बट कई लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ पूरे ओल्ड एंड्रॉइड डिवाइस वर्किंग के लिए। सो गाइस, इस कॉन्फिग फाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो कॉन्फिग फाइल है वही मोबाइल में अच्छे से काम करेगी जिनमें बहुत ज़्यादा लो डिवाइस हो, ना 1GB रैम या 2GB रैम, ऐसा मोबाइल है उसमें बहुत अच्छे से वर्क करेगी। सो गाइस, तो बहुत सारे कमेंट डालने लगे थे इसलिए सोचा आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने देने वाला हूँ कॉन्फिग फाइल। और हाँ गाइस, आपको कॉन्फिग फाइल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए आपको क्या है जो कॉन्फिग फाइल अप्लाई करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलग है, इसलिए बोल रहा हूँ आप वीडियो को एंड तक देखें गाइस। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ गाइस, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मेरे को इंस्टाग्राम पर आके मैं से बात करना है। पर गाइस, कई लोग क्या है वो कुछ और ही चीज़ की डिमांड कर दे रहे हैं, तो मैं अभी तो आपको कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, बट मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद मैं फाइव डीजे लोग का गिवअवे कर दूंगा। वैसे मैं देखा जाए तो मैं आगे आपके लिए गिवअवे करता रहूँगा उसके बाद से। सो गाइस, तो मैं आप लोग मेरे 10,000 अभी सब्सक्राइबर अभी होने को है तो आपको बता दूंगा मैं। सो गाइस, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके DM करें और डायरेक्ट मुझे मेल करें कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका 100% आपका रिप्लाई करूँगा, 100% आपकी मदद करने में पूरा वहाँ बुरा होगा, ठीक है। सो गाइस, तो कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या ये कॉन्फिग फाइल पूरे ओल्ड एंड्रॉयड में वर्क करेगा, तो ये जो है पूरे ओल्ड एंड्रॉयड के लिए बना हुआ है। मैं जितनी भी कॉन्फिग फाइल आता हूँ पूरे ओल्ड एंड्रॉयड के रहता है। सो गाइस, तो अगर आपने हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी एक वेबसाइट भी है सामाजिक ज्ञान करके, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है तो आप जाके मेरी वेबसाइट को एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, आपको साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। सो गाइस, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको जो भी मैं स्टेप अभी यहाँ बताऊँगा वो बिल्कुल ही मिस नहीं करना, क्योंकि जो कॉन्फिग फाइल है ये ना वी बोट है ना वी स्क्रीन है, कोई भी कॉन्फिग फाइल नहीं है, ये 1GB से लेके 4GB तक के रैम के लिए सपोर्टेड है। पर ये कॉन्फिग फाइल जो थोड़ा मतलब अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए बोल रहा हूँ वो जो कॉन्फिग फाइल अप्लाई करने का तरीका अलग है, नहीं तो कई लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं ये हो ही नहीं रहा, तो कुछ हो गया तो कहीं कुछ हो गया ऐसा बोलते हैं वो कमेंट करके, इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं। वीडियो पूरा देख रहे हैं गाइस, जब भी आपको समझ में आएगा। डाउनलोड का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा वो भी ईजी है। सो गाइस, आपको गूगल ड्राइव का लिंक और मीडिया फायर का लिंक दोनों का लिंक आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना जब आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, तो अभी मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ आपको दिखाता हूँ कॉन्फिग फाइल को अप्लाई कैसे करते हैं, तो वीडियो में बने रही है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। आप लोग देखोगे मेरे स्क्रीन पे आज दो कॉन्फिग फाइल दिख रही है, जो कि कॉन्फिग लैगफिक्स 1GB प्लस 4GB तक की है और वो अपडेटेड है, और लैगफिक्स सुपर स्मूथ कॉन्फिग फाइल है। सो गाइस, ये जो कॉन्फिग फाइल है ये आपको एक ही कॉन्फिग फाइल में अटैच करना है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, आप ये मत समझना कि वी बोट और वी स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग है। और गाइस, हाँ ये जो कॉन्फिग फाइल है बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आप फुल एक्सपांसर में खेलना चाहते हो तो पर खेल सकते हो, बट उसके लिए आपका 2GB 3GB तक रैम होना चाहिए। अगर आपका अगर तो एकदम फ्री गेम चला हमारा तो विदाउट एक्सपांसन के पैक की खेलना, ठीक है ना। तो मैं चलिए मैं अभी फुल एक्सपांसन के बारे में बता देता हूँ, पहले एंड्रॉइड में आना है, डेटा में आना है, और जो हमारा कॉम डेटा था पुराना वाला फोल्डर होता है, फाइल में आना है, कंटेंट गेज में आना है, ऑप्शन सेटिंग आपको पहले यहाँ से कट कर लेना है। ये जो ऑप्शनल सेटिंग होता है इसको माय फोल्डर में लेके आप पेस्ट कर देना है पहले आपको, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, तो हमारा जो लैग फिक्स सुपर स्मूथ कॉन्फिग है पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कॉम डिटेल्स आ जाएगा, जो ऑप्शनल जो सेटिंग होता है इसको आपको कट करना है, कॉम डिटेल्स में लाके इसको पेस्ट करना है। तो मैं करता हूँ फाइल कंटेंट कैच, और आपको इसके अंदर आप पेस्ट कर देना है, ठीक है। अप्लाई टू ऑल फाइल पे दबाना है, उसका रिप्लेस पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको बे का जाना है, तो मैं बे का जाता हूँ। उसके बाद हमारा जो कॉन्फिग फाइल बसता है वो ये ऊपर वाला है, जो कि लैगफिक्स 1GB प्लस 4GB तक रैम के लिए, तो एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं। उसके बाद वो ये कंटेंट कैच करके इस तरीके का कुछ फोल्डर दिखेगा, इसको भी आपको कट करना है, कॉम डीटीएस में आना है, सॉरी कॉम डीटीएस फाइल, और फिर फाइल के अंदर जैसे आपको उधर कंटेंट कैच लिखा रहेगा तो इसको भी इसी के ऊपर आपको पेस्ट कर देना लाके, तो अप्लाई टू ऑल फाइल पे क्लिक करके रिप्लेस पे कर देना है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ध्यान से। उसके जो आपको पुराना वाला फोल्डर होता है एंड्रॉइड वाला, उसको आपको डिलीट कर देना है। सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये मैंने आपको डिलीट कर दिया है।
सो हमारा हो चुका है काम ख़त्म। उसके बाद हम चलते कॉन्फ्रेंस फाइल, हमारी कॉम्पिटिटर्स फाइल एकदम तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप था, कट करके हम सीधा इसको एंड्रॉइड डेटा और इसके अंदर ला के हम पेस्ट कर देते हैं। सो गाइज, आपका हमारा कॉन्फ्रेंस फाइल पूरे तरीके से अप्लाई हो चुका है। अब जो डाउनलोड का जो प्रोसेस होता है वो मैं इस आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा। बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक है, आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, तो चलिए अभी मैं आगे की प्रोसेस बता देता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस फाइल को डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको पहले आई एम नोट रोबोट में क्लिक करना है। आपके पास 10 सेकंड का एक टाइमर चलता है जो कि यहाँ ब्लू टिक ऐसा हो जाता है। उसके बाद आपको क्लिक हेड टू कंटिन्यू पे दबा देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फोल्डर फाइल खुलेगी, इसको आपको कट कर देना है। फिर इसके बाद आपको वापस आ जाना है अपने फोल्डर में। तो आपको यहाँ सेव लिंक्स यू ऐसे कुछ यहाँ लिखा रहेगा, फिर यहाँ लिखा रहेगा जनरेट लिंक करके यहाँ लिखा आएगा। सो गाइस, यहाँ फालतू के काफ़ी सारे ऐड आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ भी ऐड आ रहे हैं। तो आपको पहले क्या है, पहले धीरे धीरे आपको एक एक ऐड यहाँ कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद अगर आप यहाँ गेट लिंक पे जैसे दबाते हो तो कुछ भी आपसे क्लिक होएगा, तो आपको उसको कट कर देना है। फिर आपको गेट लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर आपका जो है कॉन्फ्रेंस फाइल डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पर हमारी जो कॉन्फ्रेंस फाइल आ चुकी। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया हूँ कि कॉन्फ्रेंस फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दो तीन बार आपको कट करना उसका जो कॉन्फ्रेंस फाइल डाउनलोड